अगर आप प्रधानमंत्री बनते या आप बन जाते हैं फ्यूचर में, और मान लीजिए कि आपके टाइम तक 370 था, और ये मान लेते हैं कि भाजपा सरकार ने जो किया है वो पूरी तरह से गलत है, गैर संवैधानिक है, ये एक मिनट के लिए मान लेते हैं, तो आपके हिसाब से 370 का जो मसला है आप उसको कैसे सुलझाते, ये थोड़ा हमारे लिए समझा दीजिए, या फिर उसमें कोई मसला नहीं है आपके हिसाब से? सबसे पहले तो मैं महबूबा मुफ्ती से अलायंस नहीं करता। अच्छा, नहीं नहीं, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल कर रहा हूँ। सुनिए, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल कर रहा हूँ। सुनिए, देखिए, मेरा सवाल सुनिए, माय क्वेश्चन इज टू बैरिस्टर असदुद्दीन। इसमें तो हम सहमत हैं आपसे। ही अग्रीज विद यू। थैंक यू। हां, यू तो एग्री करे। सो द ट्वेन इज फाइनली मेट। हां, प्लीज गो अहेड। यस, ये आप मेरे को एक पॉलिटिशियन के तौर पर यहां बुलाए हैं, मैं जवाब दे रहा हूं। मैं वकील नहीं हूं, वकील आप हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं आप। ओके, बहस करिए सुप्रीम कोर्ट में। तो कॉन्स्टिट्यूशन में मैं बेहतर बोल सकता हूं। ठीक, सुनिए जी। हां, पहले तो मैं महबूबा मुफ्ती से अलायंस नहीं करता। मैं जी, आपने अलायंस किया महबूबा मुफ्ती से, आपने एक टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट बोलिए या जो भी एक डॉक्यूमेंट बनाया, उसमें आपने लिखा कि 370 पे हाथ नहीं लगाएंगे। ये तीसरा मैं ये करता कि वहाँ पर बातचीत होती, सबसे एक माहौल पैदा किया जाता। आप कुछ माहौल नहीं करे, कुछ बातचीत नहीं करे। आप ही के दौर में इतने टेररिस्ट अटैक्स हुए, इतने हमले हुए बीजेपी के दौर में, और इंटरनेट बैन माशाल्लाह यानी रिकॉर्ड बन गया अभी तो, और इकोनॉमी पे कितना असर पड़ा उसके ऊपर। खुद इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है कि मोर देन 100 करोड़ के ऊपर का लॉस वहां पर हुआ। जी। तो 370 तो एक शेल था, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो आपके रॉ के दुलत साहब का स्टेटमेंट है, इट वॉज एन एम्प्टी शेल। आप लोग ये करके और हालात वहां पर कौन सा अच्छा करे आप, कौन सा करने जा रहे हैं आप? इलेक्शन नहीं करा सकते आप, इलेक्शन पोस्टपोन हो रहे, लोगों को गिरफ्तार कर रहे आप, कहाँ का रख रहे, आगरा की जेल में ला के रख रहे उन लोगों को आप, किधर रख रहे? इसका हल निकलने वाला है? मैं नहीं निकलने वाला हल इसका, और हालात खराब होंगे वहां पे। तो 70 साल के बातचीत के बाद क्या हल निकला सर? 70 साल की बातचीत में जी, 70 साल के दौर में जी, आपके हिसाब से सिचुएशन बिगड़ा या बेहतर हुआ? 70 साल में पहली गलती जो हम लोग किए जी, वो शेख साहब की गिरफ्तारी थी। अच्छा, ओके, ये दूसरी गलती हम लोग किए। अच्छा, उसमें बीच में 1986-87 में एक फ्रॉडुलेंट इलेक्शन हुआ जिसका खामियाजा वहां पर भुगतना पड़ा जी, और ये चीज आप देख लीजिए। आप आज आपके पास वहां पे खामोशी है। कश्मीरी लोग बड़े चालाक होते हैं। बहुत चालाक होते हैं। okay. वो कभी भी रिएक्ट नहीं करेंगे जब आप चाहते। आप देख लो उनकी हिस्ट्री है पूरी। ओके, आप तो देखिए उसको। नहीं, मैं तो कहता हूँ मद्रासी ब्राह्मण भी उनसे ज्यादा चालाक है। इसमें ये चालाकी का सवाल नहीं है सर। देखिए, पहले आप दोनों को मिक्स मत करिए। पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन मैं पढ़ देता हूँ, उसमें कहीं नहीं असेंबली का जिक्र है। नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग इन द फोरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस आर्टिकल, द प्रेसिडेंट मे बाय पब्लिक नोटिफिकेशन डिक्लेयर दैट दिस आर्टिकल शैल सीज टू बी ऑपरेटिव और शैल बी ऑपरेटिव ओनली विद सच एक्सेप्शंस एंड मॉडिफिकेशंस एंड विद फ्रॉम सच डेट एज मे बी यू मे ही मे स्पेसिफाई प्रोवाइडेड दैट द रिकमेंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द स्टेट रेफर्ड टू इन क्लॉज 2 शैल बी नेसेसरी बिफोर द प्रेजिडेंट इश्यूज सच ए नोटिफिकेशन। नाउ Constituent Assembly completed its deliberation and presented a constitution in that there is no reference to Article 370. There is only one in the preamble which says that Jammu Kashmir is an integral part of India and there is no question of consulting the Assembly. Swami Sahab, Jammu Kashmir yakinan Hindustan ka toot hissa hai aur rahega. वहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो बात आई है, आप उसको प्रेसिडेंट को अख्तियार नहीं है। मेरा मानना यह है, प्रेसिडेंट को अख्तियार नहीं है असेंबली को डिसॉल्व करके। आप स्टेट को डिवाइड करके यूनियन टेरिटरी नहीं बना सकते। मेरा स्टैंड है, अब ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। आपका स्टैंड है या वकील के तौर पे आपका स्टैंड? नहीं, ये मेरा स्टैंड इसलिए क्योंकि मैंने लीगल जो लुमिनरीज है उनसे जो पढ़ा है, उनके आर्टिकल्स पढ़े हैं और उनको सुना है और उनसे उनकी बुनियाद पर कह रहा हूं मैं आपको। तो आप हरीश सालवे साहब को लीगल लुमिनरी मानते हैं? हरीश सालवे से बेहतर मैं समझता हूँ फैजान मुस्तफा को। हरीश सालवे से बेहतर मैं समझता हूँ आपके ऐसे कई लॉयर से। अब हरीश सालवे साहब ओपिनियन लिख के दिए थे 370 का, जाहिर है आप वकील हैं। आपने उनसे पूछा? नहीं, वकील नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट नहीं है वो। ओके।